इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ओपन होने पर कुछ इस तरह के डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसको आपको यहाँ से कैंसिल कर देना, ये हट जाएगा। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की वेबसाइट है। ये इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है। यहाँ पर आप आ जाएंगे क्लिक करके, तो यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, बहुत सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। और साइड में दोस्तों देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको शो हो रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन लिंक आधार, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। अगर आप जो अपना आधार जो है लिंक करना चाहते हैं पैन कार्ड से, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिंक आधार का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप लिंक आधार पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं फॉर्म ओपन हो चुका है मेरे सामने। यहाँ पर इस फॉर्म में आपको कुछ डिटेल डालना है, चलिए बात करते हैं क्या क्या डिटेल यहाँ पर आपको डालना होगा। सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है, इसके बाद आधार नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है, इसके बाद आपके आधार कार्ड पर जो भी नाम है वैसा सेम नेम दोस्तों यहाँ पर आपको डाल देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर आपके आधार कार्ड पर केवल बर्थ ईयर लिखी हुई है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। मतलब दोस्तों कहने का ये है कि अगर आपका आधार कार्ड है उस पर केवल जो है जन्म तिथि की केवल साल लिखी हुई है और वहां पर दोस्तों कोई मंथ या तारीख नहीं लिखी है, तो इस कंडीशन में यहां पर आपको टिक कर देना है। अगर आपके आधार कार्ड पर आपका जो है महीना भी लिखा हुआ है, कौन सी डेट पे आप पैदा हुए, कौन सी ईयर में आप पैदा हुए, कौन से महीने में आप पैदा हुए, सब चीज लिखा हो तो यहाँ पर आपको टिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर केवल साल लिखी हुई है, ईयर लिखी हुई है, वहां पर महीना और डेट नहीं लिखा है, तब यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आई एग्री पर आपको टिक करना होगा और नीचे थोड़ा आ जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज हो रही है, इमेज में दोस्तों आपको कुछ बर्ड दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको सेम यहाँ पर नीचे देख सकते हैं बॉक्स आ रहा है, इन बर्ड को यहाँ पर आपको डाल देना है, जो भी कैप्चा है यहाँ पर आप डालेंगे। यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप टिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। फिलहाल जो भी दोस्तों दिख रहा है यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो चलिए ये सारी डिटेल में भर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। तो दोस्तों सारी डिटेल यहाँ पर मैंने डाल दी है, पैन कार्ड नंबर भी डाल दिया, आधार नंबर भी डाल दिया, आधार कार्ड पर जो नेम था वो भी डाल दिया, नीचे कैप्चा रहा दोस्तों वो भी भर दिया है। इसके बाद सिंपली दोस्तों देख सकते हैं नीचे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा लिंक आधार, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप लिंक आधार पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो थी पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने की वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। और वेरीफाई करने के लिए दोस्तों जो है आपने जो डिटेल दी है वो वेरीफाई करने के बाद जो है आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि आप चेक कैसे करेंगे कि आपका जो आधार कार्ड है वो पैन कार्ड से लिंक हो गया है नहीं, या दोस्तों आपको नहीं पता कि आपका पैन कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, या दोस्तों आप कैसे जान पाएंगे कि आपका पैन कार्ड जो है प्रेजेंट टाइम में किस आधार कार्ड से लिंक है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको फिर से देख सकते हैं होम पेज पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ पर होम पेज पर आ चुका हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है ऑफिशियल उसके होम पेज पर आ चुका हूँ दोबारा से मैं। और यहाँ से आपको फिर से जो है लिंक आधार पर क्लिक करना होगा, देख सकते हैं साइड में एक ऑप्शन आ रहा है लिंक आधार का, इस पर आपको जो है फिर से क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लिंक आधार पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक फॉर्म ओपन हो गया है, वही फॉर्म है दोस्तों सेम जैसे पहले प्रोसेस था वही फॉर्म ओपन हो गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगा एक ऑप्शन, देख सकते हैं ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है देखने को यहाँ पर क्लिक हियर का, और आगे लिखा है टू व्यू द स्टेटस इफ यू हैव ऑलरेडी सबमिट लिंक आधार रिक्वेस्ट। मतलब दोस्तों कहने का है कि आपने पहले से कोई रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट कर रखी है, जैसे दोस्तों अभी मैंने एक रिक्वेस्ट सबमिट करके आपको दिखाया था आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करके आपको दिखाया था, तो मैंने एक रिक्वेस्ट सबमिट की थी यहाँ पर, उसका स्टेटस मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा पैन कार्ड जो है अभी तक मेरे आधार कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं, या दोस्तों मेरा पैन कार्ड जो है किस आधार कार्ड से लिंक है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है क्लिक हियर पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जो है एक पैन कार्ड नंबर डालना है, जो भी दोस्तों जिसके भी आप जो स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों उस पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिए, और जिससे आप देखना चाहते हैं इससे जो लिंक है या नहीं तो उसका जो है उस आधार कार्ड का यहाँ पर जो आपको नंबर डाल देना है। तो दोनों का नंबर मैं डाल देता हूँ, पैन कार्ड का भी और आधार कार्ड का भी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पैन कार्ड नंबर डाल दिया है, और दोस्तों जो आधार कार्ड था मेरा उसका भी नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्यू लिंक आधार कार्ड स्टेटस, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। थोड़ी लोडिंग लेगा दोस्तों, उसके बाद जो आपका स्टेटस निकल के आ जाएगा आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड जो है किस आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो स्टेटस आ चुका है योर पैन कार्ड लिंक टू आधार नंबर, देख सकते हैं यहाँ पर जो आधार नंबर है उसके लास्ट के जो है 4 डिजिट यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आपका जो पैन कार्ड है किसी आधार कार्ड से लिंक नहीं है,
जो नंबर आपने डाला है उससे लिंक नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों दिखा देगा कि नो रिक्वेस्ट सबमिट, मतलब इस पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की कोई रिक्वेस्ट यहाँ पर जो है सबमिट नहीं की गई है। तब आप समझ जाइए कि आपका जो पैन कार्ड है आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप इससे रिलेटेड में जो है कोई भी जानकारी चाहते हैं या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना और साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।